हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तो हम लोग अभी तक क्या देखे थे? यहाँ पर फोर चैप्टर हम लोग देख चुके सर थे बायो में, है ना? जो हमारे एग्जाम में आने वाले किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरह के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो सब मैं बता चुका था। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई मैं ये क्लासेस इसलिए चला रहा हूँ कि तुम्हारा अभी ये जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह आएंगे उसी के लिए। फिर अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास यहाँ पे वो आया है ब्लूप्रिंट, मैंने आज देखा। तो वही जैसा अभी तक हुआ था कि भाई कोई ब्लूप्रिंट हमारे बायो में काम नहीं कर रहा था, सेम वैसे ही यहाँ पर इस बार भी हुआ है। यूनिट वाइज हमारा ब्लूप्रिंट आया तो कोई मतलब का नहीं पड़ता, ये है कि भाई हमको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर चैप्टर वाइज आता तो हम बोल पाते कि भाई कहाँ से क्या। तो अब यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई सारे क्वेश्चन आ रहा है जैसे पहले हम जिस पैटर्न में पढ़ रहे थे उसी पैटर्न में पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ें अभी इन्वॉल्व नहीं हुई है, या हमारे लिए बायो में तो जैसे कि वैसी ही बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद चैप्टर वाइज है ब्लूप्रिंट, है ना? अभी मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा तो वो जो सारे लोग देख सकते हो, है ना? तो उससे ये पता चल जाएगा कि किससे किस चैप्टर से क्या आ रहा है और किससे उसमें जो तो बाकी सब्जेक्ट के लिए तो ये भी दिया है कि भाई किस चैप्टर से फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, किस चैप्टर से मैच द कॉलम आएगा। हमारे इसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें दी हुई है तो हम भी यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या हम कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो उसके लिए मैं सारे लोगों को पहले ही यहाँ पे लिस्ट दे चुका हूँ, उसी से सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पे फोर्थ चैप्टर तक देख चुके थे। कल हमने इंट्रोडक्शन सारे टॉपिक्स का देखा था, आज हम यहाँ पे नोट्स वाइज हम चलेंगे। दूसरी चीज़ हम क्वेश्चन आंसरों को वो करेंगे। और एक चीज़ की भाई जो नेक्स्ट सेशन की जो क्लासेस है वो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी 10th of June से स्टार्ट हो जाएंगी न्यू सेशन के लिए। तो जो भी अपने भाई बहन या अपने दोस्त वगैरह उन लोगों को बता देना इन क्लासेस के बारे में कि वो लोग ज़्यादा ज़्यादा ये क्लासेस हमारी ज्वाइन कर पाए और फिर बाद में जो लास्ट में दिक्कत होती है ऐसी दिक्कतें ना हो कि भाई हमको शॉर्ट टाइम मिला है। हम क्लासेस यहाँ पे टाइम पे चालू करेंगे, 10th of June से स्टार्ट हो रही है ना? दूसरी चीज़ ये कि चैनल के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप लोगों को ये नोट्स की PDF दे दूंगा, साथ में आज का ब्लूप्रिंट की भी PDF की भी लिंक वहाँ से मिल जाएंगी। और कुछ बुक्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी वाली लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है आगे GNST PNST की भी अगर कोई तैयारी करना चाहता है उसके लिए, है ना? तो अच्छा सॉरी, GNST तो बंद हो गया, PNST और NEET वगैरह के लिए अगर कोई करना चाहता है तो वो के बेस्ट है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, है ना? डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेंगी। दूसरी चीज़ अपने फ्रेंड लोगों से ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब करवा लो और टेलीग्राम वाले चैनल को भी ज्वाइन करवा लो, है ना? तो इतनी चीज़ें करना है बेटा आप लोगों को, है ना? चलो तो फिर आज हम यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर देखते हैं, है ना? चलो ठीक है, तो फिर आज फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। कल मैंने इसके काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें कल मैंने बता दी थी कि क्या क्या यहाँ पे हमको मेन पॉइंट्स हमको याद रखने हैं ना। मेंडल के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता चुके थे, ये डोमिनेंस वगैरह कौन से कैरेक्टर्स है, बैक क्रॉस क्या है, ये सारी चीज़ें कल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका था, है ना? अगर किसी को कोई चीज़ें नहीं भी आई है समझ में तो बेटा वो कल वाली क्लासेस देखो, एक्सप्लेनेशन क्लासेस देख लो, सारी चीज़ें यहाँ पे उसको समझ आएंगी जाएंगी क्लियरली कि क्या चीज़ें हो रही है और क्या चीज़ें नहीं हो रही है, कहाँ के क्या पॉइंट्स वो हमको याद रखने हैं, है ना? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्लासेस देख लो, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसके लिए बेटा, है ना? चलो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास ब्लू प्रिंट भी आ गया है तो हमारे पास यहाँ इतनी सारी हमको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए कि भाई क्या। अब हमारे पास थोड़ा इजी पड़ेगा हमारी तैयारियाँ करने के लिए। फिर मैंने बोला था मैं एक शेड्यूल बताऊंगा, अब आज अभी अभी तो नहीं बता पाऊंगा, है ना? मैं जल्दी शेड्यूल का भी एक वीडियो बना दूंगा तो वो हम उस शेड्यूल को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ना? ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ही शासन करेंगे हम, दो नहीं करेंगे, है ना? इसलिए आज चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे खत्म करते हैं। क्या हो रहा है, मेंडल ने सबसे पहले भाई कि यहाँ के मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, ये तो हम बहुत पहले भी पढ़ रहे थे, पर इसका चांस रहेगा कि ये 3 से 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो इसको यहाँ पे अच्छे से सारे लोग तैयार करेंगे, 3 से 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। एक सेकेंड बेटा, चलो
ठीक है, क्यों किया था भाई यहाँ पे? क्योंकि इसमें जो अपोजिट कैरेक्टर हो गए थे या जो कैरेक्टर हो रहे थे यहाँ पे इसमें मर्डर के अंदर में, उसका एक और एग्जांपल हमारे पास था और एक यहाँ पे उसका ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट था। इसीलिए जैसे उन्होंने यहाँ पे लंबा पौधा लिया तो उसका बौना रूप था, यहाँ पे गोल बीज लिया तो उसका रिंकल वाला यहाँ पे एक सीड प्रेजेंट हो रहा था। तो हर एक कैरेक्टर के यहाँ पे दो 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 फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट थे, इसीलिए मंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया, है ना। फिर क्या था यहाँ पे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करवाना बहुत इजी था, इजीली हमको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलिनेशन करवा पा रहे थे, इसीलिए मंडल किया, है ना। अगली चीज कि भाई यहाँ पे एक वर्ष ये था, बहुत छोटा, 4 मंथ की इसकी बस लाइफ साइकिल हो रही थी, तो हम इसको इजीली एक 1 ईयर में हम इसकी 4th 3 जनरेशन तक क्या हम इसकी स्टडी कर पा रहे थे, इसीलिए कि भाई बहुत जल्दी हमको नए कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल जा रहे थे, है ना। अगली चीज था भाई यहाँ पर अगर हमको कोई फर्टाइल हो रहे थे तो जितने भी यहाँ पे बीज वगैरह बन रहे थे वो सब फर्टाइल बन रहे थे, सब में ये कैपेसिटी थी वो कि न्यू प्लांट जनरेट कर सकते, तो हमको हर एक सीड से एक नया कैरेक्टर यहाँ पे देखने को या जो भी कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा था वो हम ईजी उसकी स्टडी कर पा रहे थे यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए मेंडल ने यहाँ पे इस प्लांट का यूज किया। अगली चीज आता है भाई यहाँ पे कुछ डिफरेंस रहेंगे, ये डिफरेंस यहाँ पे 2 to 3 marks के रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रभाविता या अप्रभाविता, डोमिनेंस और कोडोमिनेंस या रिसेसिव इसको हम बोल रहे थे। इसमें क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे डोमिनेंस में ये चीज हो रही थी कि जो भी एलील हो रहा था हमारे पास में वो अगर विषम युग्मजी अवस्था में हो रहा था, मतलब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहा था, तो जिसका कैरेक्टर जैसे ये यहाँ पे टी का कैरेक्टर, कैपिटल टी का कैरेक्टर हमको ये देखने को मिल जा रहा था, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया या प्रभावी चीज हो गई। अप्रभावी की भाई जब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसने तो अपने आप को शो कर दिया, मतलब ये तो यहाँ पे डोमिनेंस हो गया, प्रभावी हो गया। ये जो अप्रभावी जिसने अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाए, ये क्या था यहाँ पर, अप्रभावी हो रहा था। तो ऐसा एलील जो अपने आप को शो अप नहीं कर पाते ये कैसे होते हैं यहाँ पे, अप्रभावी होते हैं ना। ये यहाँ पर विषम युग्मकी और सम युग्मकी दोनों अवस्थाओं में प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर अगली चीज आती है कि यहाँ पे प्रभाविता के कारण जीन या एलील द्वारा पूर्ण रूप से क्रियाशील एंजाइम उत्पन्न कर, मतलब जीन क्या कर रहा है भाई, कोई भी यहाँ पे एंजाइम उत्पन्न कर रहा है या कोई भी प्रकार की प्रोटीन बना रहा है तब वो अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है, जबकि इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके कारण ये अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। तो ये चीज यहाँ पर ये याद रखना है, 2 या 3 नंबर में आएगा। अगली चीज ये भी यहाँ पे 2 से 3 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे जो भी वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी ट्रिटेट हो रहा था या जो भी यहाँ पे कैरेक्टर हो रहा था वो कैसे होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे मतलब कैपिटल टी टाइप के ये गैमिट्स है तो ये लॉन्ग प्लांट है, जबकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस में कैपिटल है कि स्मॉल है, तो ये क्या है यहाँ पे हाइब्रिड है, इसमें दोनों कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड प्लांट है। इसमें एलील कैसे होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर इस तरह के कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं, जबकि यहाँ पे एलील कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे एलील्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें जो होते हैं यहाँ पे एक तरह के गैमेट बोलते बनते हैं, जैसे यहाँ कैपिटल रहती है तो जितने भी यहाँ पे गैमेट बन रही है टी के जीन वाले ही बन रहे थे या ये टी कैरेक्टर वाले ही बन रहे थे, जबकि यहाँ पर क्या होता कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था, तो दो तरह के यहाँ पे गैमेट फॉर्म हुए थे, एक के अंदर में ये जीन प्रेजेंट थे कैपिटल वाले और एक के अंदर में स्मॉल वाले जीन प्रेजेंट हो रहे थे। ये कब बनते हैं, जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा, मतलब इसका क्रॉस यहाँ कैपिटल टी से हो रहा, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर बन रहा था होमोजाइगस वाला, जबकि यहाँ पर तो ये हो रहा था कि भाई ये कैपिटल टी है, यहाँ पे ये कैपिटल टी था, इसका क्रॉस हमने क्या करवाया था यहाँ पे स्मॉल टी और ये कैपिटल टी पकड़ लो, तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये गैमेट्स फॉर्म हुए थे, है ना। तो यहाँ पे होता है कि भाई अलग अलग तरह के यहाँ पे गैमेट्स या अलग अलग तरह के यहाँ पे जो एलील है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण हमको यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है ना। और इसमें जो गैमेट बन रहे थे अभी बताया था ये अलग अलग टाइप के हो रहे थे, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिल रहा था। एक्स्ट्रा कैरेक्टर मतलब यहाँ कैपिटल टी तो ये सिर्फ लंबाई को उसकी लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये हुआ कि ये है तो यहाँ पे ये लेंथ को जो कंट्रोल कर रहा है ये एक और एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो दो कैरेक्टर वाले इसमें एलील प्रेजेंट हो रहे थे या दो कैरेक्टर वाले यहाँ पे जीन प्रेजेंट हो रहे थे, है ना। चलो अगली चीज यहाँ पर
अगला क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। मोनो हाइब्रिड इसमें क्या हो रहा था भाई, जब हम यहाँ पे अपोजिट कैरेक्टर कैपिटल टी क्रॉस करवाया स्मॉल टी के बीच में, तो यहाँ एफ वन जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो ये क्या है यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, एक कैरेक्टर हमने लिया, जबकि डाई हाइब्रिड में हो गया भाई यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये एक राउंड वाले बीच का है और ये पीले कलर के लिए, इसका अपोजिट कैरेक्टर क्या लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया, यहाँ पे रिंकल वाला और ग्रीन बीज वाला सीड वाला हमने कैरेक्टर लिया, तो दो कैरेक्टर का जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जबकि ये क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखो एलील जो हो रहे हैं दो टाइप के बनते हैं, कैपिटल टी वाला बनता है और एक क्या बनता है यहाँ पे स्मॉल टी वाला, यहाँ पर जो एलील बनते हैं वो चार टाइप के बनते हैं, ये एक दो तीन और ये चार टाइप के एलील बन रहे हैं। इसमें जब हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका जो रेसो आ रहा था 3:1 आ रहा था इसके फिनोटाइप में, मतलब यहाँ पे भाई ये हमने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इसमें क्रॉस हुआ तो ये आया, तो ये इसका बेटा मैंने यहाँ पे तुम लोगों को इससे पहले जो हम एक्सप्लेनेशन क्लास में चले थे वहां पर बताया था, उसके लिए मतलब फिर से यहाँ तुम लोग बताना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे बेटा, हम एकदम शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे अभी, है ना, क्योंकि एक्सप्लेन हम कर चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हो रहा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो रहा है। ये है भाई ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना, ये दो तरह के कैरेक्टर मिले, दो तरह के एलील मिले यहाँ पर, इसमें हमने क्रॉस करवाया तो ये एफ वन जनरेशन में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मिला, इसमें यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो ये चार टाइप के मिले थे, यहाँ पर देखो क्या चीज हुई है भाई, ये एक प्लांट लॉन्ग है, ये एक लॉन्ग है, ये एक लॉन्ग है, तो क्या हो गया 3:1 हो गया इसका फिनोटाइप में, ये तीनों एक जैसे हैं और ये एक क्या हो रहा है यहाँ पे अलग हो रहा है। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो जीनोटाइप में क्या हो रहा है भाई यहाँ पे इसका ये जीनोटाइप क्या हो रहा था 1:1, ये एक लॉन्ग प्लांट है, ये यहाँ पे ड्रिफ्ट है बॉन है और ये दो कैसे है यहाँ पे इक्वल है हाइब्रिड है, तो ये क्या हो गया 1:2:1 यहाँ पे आ गया इसका जीनोटाइप आ गया, ये क्या है यहाँ पे जीनोटाइप है, और जबकि इसका फिनोटाइप क्या था भाई 3:1 था, ठीक है, तो ये याद रखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये चीज हो जाती है यहाँ पर, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लेते हैं भाई, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम दो अपोजिट कैरेक्टर को ले रहे हैं राउंड शेप और येलो सीड वाला लिया तो ये इधर रिंकल और ग्रीन लिया, और यहाँ पे गैमेट्स हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई मिले, एफ वन जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट मिल गया हमको, है ना, फिर जब इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये गैमेट से ये गैमेट से, तो हमको यहाँ पर जो हो रहा है भाई फिनोटाइप देखो यहाँ पे 9:3:1 मिल रहा है, तो ये जो तीन ये दिख रहा है ये एक जैसे ये कलर में दिखे ये, है ना, ये लाइट पिंक जो दिख रहे थे ये 9 प्लांट है ना, ये कैसे कैरेक्टर वाले है राउंड और येलो है, उसके बाद में ये 3 कैसे है रिंकल और येलो है, ये 3 रिंकल और येलो है, उसके बाद में ये कैसे है यहाँ पे ग्रीन और राउंड शेप में, ग्रीन और राउंड शेप में, और ये कैसा है क्रिंकल और ग्रीन है, तो ये हो गया भाई इसका फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप भी हम यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं, तो जीनोटाइप में क्या होता है भाई यहाँ पे 1:2:2:1:4:2:1:2:1 रहता है बेटा। अब इसमें यहाँ पे गैमेट्स काउंट कर लोगे तो ये रास्ता यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लासेस देखोगे तो वहां पर सारे लोगों को ये चीज मिल जाएंगे। अगली चीज यहाँ पर एक संकर क्रॉस का एक मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से यहाँ पे डोमिनेंस का नियम बताना है, और ये लास्ट टाइम आया भी था, तो अब यहाँ पर क्या किया भाई देखो यहाँ पर हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला है इनने, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये अब भी हमने बताया, ये अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया हमने तो क्या चीज कर रहे हैं यहाँ पे हमने ये कैपिटल टी और क्या किया यहाँ पर स्मॉल टी हमने लेके चले, ऐड कर लेंगे ये किया, तो यहाँ पे जो एफ वन जनरेशन उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी करके हाइब्रिड प्लांट मिला, इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हमको यहाँ पे दो टाइप के गैमेट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे क्या मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला,
तो वही मैंडल ये कहता है कि भाई जब हम एक अपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाते तो एफ वन जनरेशन में हमको हमेशा डोमिनेंस मिलता है ना, डोमिनेंस मतलब प्रभावी लक्षण हमको देखने को मिलता है। तो ये लंबा है और ये क्या है यहाँ पे बोनापर, तो एफ वन जनरेशन जो थी हमारी ये वाली, यहाँ पे क्या मिला हमको प्रभावी लक्षण मिला, यही मेंडल का पहला नियम कहता है। उसी को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है, यहाँ दो प्लांट का क्रॉस बनवाना, क्रॉस में हमने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये हमको यहाँ पे गैमेट्स मिल रहे हैं, और फिर उसमें हमने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, यहाँ पर ये क्रॉस करवाया। अब ये हमको यहाँ पे चार तरह के प्लांट मिल गए, ये एक लंबा मिल गया, ये लंबा मिल गया, ये लंबा मिल गया और ये बौना मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रभावी लक्षण हमको देखने को मिल रहा है। तो यही मेंडल का पहला नियम है कि भाई जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को क्रॉस करवा रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमको यहाँ पे डोमिनेंस कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस बेटा मैं यहाँ पे कल भी बता चुका था, लेकिन आज हम एकदम यहाँ पे सिंपल इसमें बताऊंगा कि क्या चीज करी थी हमने इसमें। तो हमने इसमें किया था कि भाई यहाँ पे हम जब दो डोमिनेंस ले रहे हैं, मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर वाला ले रहे हैं, तो ये क्या है पेरेंट्स फर्स्ट है, ये पेरेंट्स सेकेंड है, और ये क्या है यहाँ पर एफ वन जनरेशन। इस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस में, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं F1 जनरेशन का क्रॉस करवा देते हैं P2 के साथ में, तो ये क्या है यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है। जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं P1 के साथ में, तो ये क्या है यहाँ पर बैक क्रॉस होता है। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस है, ये बैक क्रॉस है, है ना। तो ये होता है, इसमें अगर हम रेसो की बात करें तो रेसो क्या रहता है यहाँ पे, वन रेसो वन रहता है। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से करवाते हैं तो यहाँ पे रेसो चेंज हो जाता है, वन रेसो वन रेसो वन रेसो वन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। अब ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक जीन समयुग्म जी मादा दी हुई, समयुग्म जी मादा दी हुई है, मतलब भाई यहाँ पे देखो ये स्मॉल कैपिटल टी वाली दी हुई है, विषम युग्मजी नर दिया हुआ है, यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इनका क्रॉस बनाना है। तो F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है यहाँ पे, और का फिनोटाइप पुनेट स्क्वायर बनाकर हमको यहाँ पे शो करना है। तो पुनेट स्क्वायर बनाकर हमको यहाँ पे शो करना है। तो भाई ये हमने यहाँ पे क्रॉस करवा दिया, यहाँ पर हमको ये तीन तरह से एलील मिल गए है ना, F1 जनरेशन के बीच में यहाँ पर क्या करवाया, फिर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमको ये कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे। तो इसका फिनोटाइप बताना, तो फिनोटाइप में देखो ये लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा है, और ये भी कैसा है यहाँ पे लंबा है, लेकिन ये दोनों कैसे है भाई, एकदम शुद्ध अवस्था में लंबे हैं, और ये कैसे है हाइब्रिड अवस्था में, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे वन रेसो वन हो गया है ना। जब यहाँ पे इनका हमने यहाँ पे क्रॉस करवा दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे समयुग्मजी माता और विषमयुग्मजी क्या ले लिया हमने, नर ले लिया। तो दोनों कंडीशन में, एक में यहाँ पे प्रभावी लक्षण लिया, एक में अप्रभावी लिया, तो भी यहाँ पे रेसो क्या आ रहा है यहाँ पे भाई, ये दो यहाँ पे संकरित लंबे मिल रहे, जबकि ये दो प्लांट जो है ये कैसे है शुद्ध अवस्था में बौने पौधे मिले, यहाँ पर भी रेसो क्या हो गया भाई, वन रेसो वन ही हो गया है ना। तो ये टेस्ट और बैक क्रॉस का ही एक एग्जांपल है, तो ये चीज यहाँ पर बतानी है ना। वैसे ये नहीं आ पाएगा उसका, ये भी नहीं। टी एच मॉर्गन के वर्क भाई की उनने क्या क्या चीजें करी थी, तो क्या कहता भाई टी एच मॉर्गन का, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो फुल फॉर्म फुल नेम याद रख लो, थॉमस हंट मॉर्गन, ये सारी जगह पे टी एच मॉर्गन आया, तो इसका ये फुल फॉर्म फुल नेम याद रख लो या नोट कर लो बेटा। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज थी, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे, जो मेंडल थे वो क्या थे यहाँ पर जेनेटिक्स के फादर थे, लेकिन जो टी एच मॉर्गन थे वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे। इनने किसके ऊपर में यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो मेन तो इनने ड्रोसोफिला के ऊपर में किया था, और किससे क्या किया था, इनने म्यूटेशन थ्योरी का यूज किया था यहाँ पे, म्यूटेशन इनने देखा था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। क्या वर्क करे थे इनने, तो ड्रोसोफिला में यहाँ पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड टॉस करवाए थे, ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप भी ये होते हैं कि भाई कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ऐसा कैरेक्टर शो करते हैं या ऐसा बिहेवियर करते हैं कि उनको साथ में ही जाना, और साथ में ही वो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा यहाँ पर, लिंकेज कहलाती है ना। तो यहाँ पे ये लिंकेज ग्रुप की इनने यहाँ पे डिस्कवरी करी थी।
उसके बाद में क्रोमोसोमल जो थ्योरी दी थी कि भाई जो भी जीन्स होते हैं या जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं वो क्रोमोसोम से होते हैं, उसको इनने सपोर्ट किया था, उसको इनने यहाँ पे प्रूफ करके बताया था। फिर अगली चीज अगला है यहाँ पे कि आंखों में उत्परिवर्ती म्यूटेशन या ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन को इनने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो व्हाइट कलर है वो ड्रोसोफिला में यहाँ पे म्यूटेशन के कारण हो रहा है ना। फिर यहाँ पे अभी ये देखा कि भाई यहाँ पे लिंकेज तो उन्होंने बता दी थी, लेकिन उन्होंने कौन सी लिंकेज को और ज्यादा एक्सप्लेन किया था, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, मतलब लिंक्स अलग न वंशागति को, कि भाई यहाँ पे इन्होंने बोला था कि कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और वो ही अगली जनरेशन में जाते हैं, तो जहाँ जहाँ वो सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो कैरेक्टर हमको उस पर्सन में या नेक्स्ट जनरेशन के भी अंदर में देखने को मिलेंगे, है ना। इन्हें यहाँ पे जीनोम, जीनोम क्या होता है भाई, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जीनोम कहलाता है। उसकी स्टडी के लिए इन्हें जीन मैपिंग करी और जीन मैपिंग कैसे करना है इसके बारे में इसने एक्सप्लेनेशन दिया। फिर यहाँ पर इन्हें क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में इन्हें एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यहाँ पर दी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जेनेटिक्स के जो मेंडल के लॉ वगैरह थे, जो भी उस टाइम में जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें चल रही थी उसको इन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो उनको यहाँ पर नोबल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलो अगली चीज यहाँ पे वंशावली क्या है, वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं, तो वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस बेटा ये चीज होती है कि भाई हम यहाँ पे कभी ये भी क्या होता है कि हम सब सारे जीवों के अंदर में, या हम जैसे ह्यूमन हो गए, हम इसमें यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इंटरफर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, अगर इंटरफर्टिलाइजेशन करवाएंगे मतलब वो भाई बहन है तो हम उसके बीच में क्रॉस नहीं करवा सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये एक यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिम्बॉल हम यहाँ पे यूज करते हैं। इन सिंबलों में ये रहता है कि भाई हम कौन सा कैरेक्टर कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ कहाँ वो जीन जाएगा, इसकी स्टडी करते हैं हम यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस से। ये ह्यूमन के लिए दी हुई तो है, ये मेल को यहाँ पे स्क्वायर से शो करते हैं, फीमेल को राउंड से, यूनिट से, स्पेसिफाइड अगर सेक्स है तो उसको इस तरह खड़े स्क्वायर से, अफेक्टेड जो पर्सन है उसको रेड या डार्क सर्कल से, दोनों के बीच में मैरिज हो रही है या मीटिंग हो रही है तो उसको हम सिंगल लाइन से, अगर रिलेशनशिप में हुई है तो डबल लाइन से वो करते हैं। फिर यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड की जब हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते हैं तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे मेल हो गया, ये यहाँ पर फीमेल हो गया, ये इन दोनों के बच्चे हो गए। पेरेंट्स अगर यहाँ पे नॉर्मल है और बेबी इफेक्टेड है तो उसको इस तरह से हम यहाँ पे इसको शो करवाते हैं। इससे ये होता है कि भाई हमको ईजी पड़ता है कि कोई भी जीन कैसे एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जा रहा है, कहाँ कहाँ वो जा रहा है, ये हम यहाँ पे इजीली यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज किस बेबी के अंदर में क्या डिफिकल्ट आ सकती है ये चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। जो भी सेक्स लिंकेज यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसीज है, जो सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती है डिसीज, उन डिसीजों का हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। फिर यहाँ पे ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बेटा ये हमने कल ही कुछ यहाँ पे बताया था, कहाँ गया, मैंने कल भी बेटा ये एक्सप्लेन किया था, चलो एक बार शॉर्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। ये था यहाँ पर ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मेल में क्या हो रहा था, शॉर्ट में बात करेंगे, ये पहले भी हम थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके। मेल में दो तरह की स्पर्म बनते हैं, एक एक्स बनता है और एक वाई बनता है। फीमेल में दोनों जो एक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्स एक्स टाइप के बनते हैं, एक ये स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, एक ये स्पर्म फर्टिलाइज हुआ और एक ये वाला एक फर्टिलाइज हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गई, ये गर्ल्स डॉटर बन गई। यहाँ पे ये एक स्पर्म मेल से आया, ये वाला एक अंडाणु आया, तो यहाँ पर ये एक फीमेल बन गई। ये वाई क्रोमोसोम यहाँ पर आया और ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर आया, तो ये दोनों मेल बन गए। अब यहाँ पर चांसेस बता देना कि भाई चांसेस कितने होते हैं, तो 50% चांसेस मेल बनने के होते हैं
और 50% चांसेस क्या होते हैं भाई, यहाँ पे फीमेल बनने के चांसेस 50% होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता देनी है। इसका अगर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बेटा उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्लासेस देखो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये भाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाला कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है माता का, बी है, तो उसके जीनोटाइप मालूम करिए। आ भी चुका है क्वेश्चन और इसके लिए यहाँ पर और ज्यादा तैयार करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये रहेंगे इस साल भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, है ना। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप सारी स्लाइड तो हमने ऐड नहीं किया हुआ है। ये मैं अभी लास्ट टाइम भी बताया था क्या चीज हो रहा था। उसने बोला कि भाई एक बेबी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये उसने दे दिया है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि एक मेल है उसके पिता उसका ए है और माता है उसका क्या है बी है, इसमें जीनोटाइप बताना है। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, आई ए है और आई क्या है ओ है। यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, आई बी है और आई ओ है। जो बाकी जो यहाँ पे संतान है उसमें इसमें क्या जीनोटाइप है, आई ए आई ओ है, यहाँ पर आई ए आई बी है, यहाँ पर आई बी और आई ओ है, है ना। एक और क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक मेल है और एक फीमेल है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन उनके बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो जो मेल है वो मना कर रहा है कि ये इनका बेबी नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये भी उन्हीं का बेबी है। तो उनको बताने के भाई यहाँ पे इनके अंदर में जो जीन है वो कैसे है, दो टाइप के जीन है, आई ए है और आई ओ है, और इस फीमेल के अंदर में भी आई बी और आई ओ है, तो आई ए आई जीरो और आई जीरो दोनों के जीन्स मिक्स हो गए, जिसके कारण ये एक बेबी का ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ओ आ गया। तो ये बेबी भी क्या है, इन्हीं का है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगे कैसे एक्सप्लेन करना है। इसके लिए वही कल मैंने क्लास डाली थी पुरानी वाली, है ना, उसी क्लास को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना बेटा, ठीक है। ठीक है, सप्रभाविता, सप्रभाविता अभी जो हमने ब्लड ग्रुप की यहाँ पे इनहेरिटेंस देखी है ना, तो ये क्या थी भाई यहाँ पर सप्रभाविता की, दो जीन प्रेजेंट है, दोनों जीन क्या हो रहे थे, साथ में जब सो होते हैं तो वो क्या कहलाती है, सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता जब भाई दो कैरेक्टर है हमारे पास में, दो कैरेक्टर है जैसे मीराबिलिस जालपा में भाई, दो कैरेक्टर है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों ही कैरेक्टर जब अच्छे से सो नहीं हो पाते, जैसे ये यहाँ पे रेड है, ये क्या है यहाँ पे व्हाइट कलर में, तो ये जो F1 PD में हमको नियम क्या अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रेड फ्लावर मिलना चाहिए, लेकिन ये रेड ना मिलके क्या मिल गया हमको, पिंक मिल गया। तो ये ही अपूर्ण प्रभाविता, जब ना यहाँ पे ये रेड कलर अच्छे से सो पाया हो पाया, ना ही यहाँ पे ये व्हाइट कलर सो हो पाया, तो यही क्या है, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मीराबिलिस जालपा या इसमें याद रखोगे यहाँ पे एंटेराइनम, है ना, ठीक है। फिर पॉइंट म्यूटेशन क्या है, तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये रहा भाई, म्यूटेशन का मतलब है कि जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें किसी तरह का चेंजेस आ जाना, ही म्यूटेशन है। अलग अलग रीजन से हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है, डिलीटेशन से हो सकता है, इन्वर्सन से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। तो इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है कि भाई एक सिंगल जो नाइट्रोजनी बेस है, एक सिंगल नाइट्रोजनी बेस के सिक्वेंस में चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल में यहाँ पर याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या हो रहा था, हीमोग्लोबुलिन की बीटा ग्लोबुलिन जो चेन होती है उसके फॉर्मेशन के लिए जो छठवें नंबर पर यहाँ पर एक कोड होता है GAA, ये क्या करता है यहाँ पर ग्लूटामिन, है ना, ग्लूटामिन को कंट्रोल करता है। तो इस ग्लूटामिन की जगह पे यहाँ पर एडेनिन की जगह पे क्या आ जाता है भाई, ये यूरेसिल आ जाता है, और ये यूरेसिल क्या कर देता है, ग्लूटामिन की जगह वैलिनिन को कोडित कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है।
तो ये कंडीशन क्या है यहाँ पर, किसके कारण हुआ, एक सिंगल यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में चेंज हो गया था उसके कारण हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल में याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, छठवें नंबर के जीन जो ग्लूटामिन को कंट्रोल करता है उसकी जगह GUG आ जाता है जो वेलिनिन को कंट्रोल करता है। फिर ये क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी, तो सटन और बावेरी ने दी थी। फिर यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें यहाँ पर डिफरेंस याद रखने हैं, या डिफरेंस हमको लिखने के लिए बोलेगा या कैरेक्टर लिखने के लिए बोलेंगे। तो जो यहाँ ये डिसीज है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होने वाली डिसीज है, दोनों की दोनों है ना, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होने वाली डिसीज है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ऑटोसोमल है, दोनों कैसे है यहाँ पे रिसेसिव है ना, अप्रभावी जीन के कारण हो रहा है। कॉजेस कारण क्या होता है भाई, कि यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन जो छठवें अमीनो अम्ल ग्लूटेरिक एसिड था उसकी जगह पे वेलिनिन हो जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे ये जो आरबीसी रहती है वैसे राउंड शेप में ना होके कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे सिकल शेप में हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे एक एंजाइम हो रहा था, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीजेज हो रहा था, जो बारहवीं क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स के कारण कंट्रोल हो रहा था, उसमें किसी कारण से चेंज हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था यहाँ पे टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पा रहा था यहाँ पे फिनाइल एलेनिन, और उस पर्सन के जो लीवर हो रहा है उसमें ये एंजाइम की मात्रा बढ़ जा रही थी। क्या क्या साइन सिम्टम हमको इन दोनों डिसीज में, तो सिकल सेल एनीमिया में देखो यहाँ पे एनीमिया बोला था, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, वीकनेस हो जाएगी, यहाँ पे पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, स्प्लिंट डैमेज हो सकता है, यहाँ पे मेंटल स्टेटस उसका बिगड़ सकता है यहाँ पे, तो ये चीज होती है। यहाँ पर फिनाइल एलेनिन के जमा होने के कारण वो मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसको सीजर फिटेस आने लगेंगे, यूरिन में फिनाइल एलेनिन की जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। तो इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जेनेटिक्स की परिभाषा बोल रहा है, वो तो क्या हो रहा है भाई, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जो सांख्यिकी विश्लेषण यहाँ पे स्टैटिक्स का जिसने यूज किया था, और मैथमेटिक्स का तो किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। एलील सबको पता है कि भाई यहाँ पे जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं उसको कंट्रोल करने वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलील बोलते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में याद रखूंगे यहाँ पे ये एक ग्राफी आरेख किससे करते हैं, स्टडी किससे करते हैं, तो पुनेट स्क्वायर से करते हैं। फिर वो बोल रहे हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर क्या हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलता है, तो फिनोटाइप यहाँ पे तीन लंबे प्लांट मिले थे और एक बौना मिला था, तो 3:1 मिला था, फिनोटाइप 1:2:1 मिल रहा था, यहाँ पे जीनोटाइप मिल रहा था, तो ये यहाँ पर याद रखोगे। उसके बाद में एक ऐसा पौधा जो यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहा है, अब भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अपूर्ण प्रभाविता मतलब जब दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे अच्छे से सो नहीं हो पा रहे थे तो किसमें हो रहे थे यहाँ पे, स्नैपड्रैगन या तो फिर एंटेराइनम या मिरियाबिलिस जालपा जिसको बोल रहे थे। फिर यहाँ पे मनुष्य के अंदर में आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के लिए किस तरह के एलील रहते हैं, तो उस जीन को आई से शो करते हैं हम, यहाँ पे आई से शो कर रहे हैं, और एलील क्या क्या रहते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के एलील रहते हैं, आई ए रहता है, आई बी रहता है, और स्मॉल आई या आई जीरो रहता है ना। फिर भाई जब वो बोल रहे हैं कि दो यहाँ पे मनुष्य के रक्त समूह मतलब जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो किस तरह की इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तो कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलिनिज्म। कोडोमिनेंस या भाई अभी हमको ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप मिल रहे थे तो इसमें दो जीन एक्टिवेट हो रहे थे, मल्टीपल एलिनिज्म भाई ब्लड ग्रुप की यहाँ पे जो कंट्रोल हो रहा था वो 3 जीन्स के कारण हो रहा था, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे यहाँ पे मल्टीपल एलिनिज्म बोल रहे थे ना। फिर यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने मेंडल की जो लॉ है उसको वापस से रीइन्वेंट किया था, तो ह्यूगोडब्रिज ने किया था, कार्ल कॉरेंस ने किया था, वॉन सेरमॉक ने किया था, इन तीन ने यहाँ पर किया था, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्रोमोसोमल सिद्धांत को प्रूफ किसने किया था, ये नीट में भी आ चुका है बेटा, टीएच मॉर्गन ने। फिर यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो रहा है। फिर एक्रोसोम पर प्रेजेंट दो जो जीन्स रहते हैं जब वो आपस में यहाँ पे रिकम्बाइंड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो जीनों की आवृत्ति बोलते हैं, यहाँ पे जीन कॉपी होते रहते हैं।
है ना। फिर ड्रोसोफिला में जो नॉर्मल मक्खी होती है उसका आई का कलर क्या होता है, तो वो कैसा हो रहा था यहाँ पे, रेड हो रहा था। फिर वो बोल रहा है कि किन जीवों में मादा लिंग क्रोमोसोम विषम युग्मक होता है, वो बोल रहा है मतलब कौन से ऐसे एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में जो फीमेल क्रोमोसोम है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। तो किसी में होते हैं भाई यहाँ पे पक्षियों की जो फीमेल रहती है उसमें होते हैं, और ये जेड डब्ल्यू टाइप के रहते हैं ना, और मेल कैसा रहता है, जेड जेड रहता है ना। तो ये यहाँ पर बताना है, याद रखना है मतलब। फिर सहप्रभाविता क्या है, मानव रुधिर का एग्जाम्पल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। ये सहलग्नता, सहलग्नता में क्या हो रहा था भाई कि सहलग्नता मतलब भाई जब जीन एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में साथ साथ में जाते हैं तो वो सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं ना। पूर्ण सहलग्नता से स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित नहीं कर सकती, मतलब भाई इसमें जो ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन सेकंड जनरेशन साथ में जाते हैं वो जीन अपने आप को फ्री होके यहाँ पे शो नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे पक्षियों में लिंग निर्धारण तो जैसे मानव में हो रहा था वैसे ही हो रहा था, बस यहाँ पे डिफरेंस ये चीज होगी कि भाई यहाँ पे जो मेल हो रहा है वो होमोजाइगस है और फीमेल जो हो रही है वो हेटेरोजाइगस है। तो पक्षी या बर्ड के अंदर में जो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, वाई क्रोमोसोम के कारण, ये डब्ल्यू क्रोमोसोम के कारण हो रहा था। जहां पर ये जा रहा था वहां पर क्या बन जा रही थी, बन जा रहा था यहाँ पे फीमेल बन जा रही थी ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक गड़बड़ हुआ है बेटा, है ना। यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेल है, होमोजाइगस मेल है, हेटेरोजाइगस फीमेल है। यहाँ पर भी होमोजाइगस मेल है और यहाँ हेटेरोजाइगस फीमेल हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है इस बुक में भी, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह रहा होगा, तो इसको बेटा याद रख लेना, है ना, ये सही नहीं है ना। चलो अगली चीज, टेस्ट क्रॉस। अब भी लास्ट टाइम बताया था टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो F1 जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन थी उसको हम P2 के साथ में हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। तो हमारे पास जब हम यहाँ पे जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो 1:1 आ रहा था, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो हमारे पास 4:1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। फिर हीमोफीलिया, लास्ट टाइम मैंने बताया था यहाँ पे हीमोफीलिया में क्या चीज़ हो रही थी, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे हीमोफीलिया क्या है, एक स्त्री में इसकी संभावना क्यों होती है ना, या कैसे होता है। तो हीमोफीलिया क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे अप्रभावी जीन के कारण हो रहा था, जो क्या हो रहा था एक्स क्रोमोसोम पे था। जैसे अब फीमेल के अंदर में एक्स एक्स है तो एक अगर अप्रभावी जीन यहाँ पे प्रेजेंट भी है तो यहाँ पे प्रभावी है, जिसके कारण यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होने लगेगा, ये इसको दबा दे रहा है यहाँ पे इस अप्रभावी जीन को। इसीलिए फीमेल के अंदर में ये जो रोग होता है ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि फीमेल के अंदर में यहाँ पे ये रोग हमको देखने को मिले, ठीक है। चलो तो फिर अभी ये टाइम एंड हो रहा है, तो कल इसके हम कुछ यहाँ पे डिसीज और कुछ ऑब्जेक्टिव और क्लियर कर लेंगे। तो नोट्स यहाँ पे मैं कल भी डाल चुका था, एक और आज एक नोट्स की पीडीएफ वीडियो की लिंक में रहेंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को ये शेयर कर दो, और उन लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब करा दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अभी हमारे पास यहाँ पे ब्लू प्रिंट आया हुआ है आज, तो उस ब्लू प्रिंट में, न्यू ब्लू प्रिंट में क्या चीज़ें आई है कि कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, जैसे पहले का ब्लू प्रिंट था वैसे ही है यहाँ पर, है ना। क्योंकि यूनिट वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, तो भाई जब सिलेबस से कुछ चैप्टर कम हुए हैं तो वो चैप्टर का भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो हमको हमारे हिसाब से यहाँ पर अब स्टडी करना पड़ेगा। हम उस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ सकते, हमको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे ऐड हुए हैं, लॉन्ग आंसर भी है, शॉर्ट आंसर भी है, मल्टीपल चॉइस वाले भी यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, और ब्लूप्रिंट से हम एकदम यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते कि भाई क्या यहाँ पर हो रहा है ना। तो हमको सारे के सारे ही हमको मतलब यहाँ पे चिंता ही हमको पढ़ना पड़ेगा, हम कुछ छोड़ दे या कहीं पे किसी चैप्टर से सिर्फ हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो सारा पढ़ना पड़ेगा, किसी को भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो ग्रुप में मैसेज छोड़ दो, उसको मैं तुरंत ही आंसर करूंगा जैसे ही मैसेज मैं यहाँ पे देखूंगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से भी चैनल सब्सक्राइब करवा लो। और दूसरी चीज ये है कि भाई अपने सारे फ्रेंड और छोटे भाई बहन वगैरह को बताना कि नेक्स्ट जो सेशन रहेगा 2022 वाला, वो क्लासेस 10th ऑफ जून से चालू हो जाएंगे, ठीक है।
टेंथ ऑफ जून से हो जाएंगे, इलेवंथ की भी और ट्वेल्थ के भी, है ना। और इस साल जैसे बहुत लेट हुए ऐसे नहीं, इसीलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और भाई बहनों को बता देना ये चीज़ें कि भाई क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और इस बार ये रहेगा कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस रहेंगी, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। दूसरी चीज, अभी हम यहाँ पे सीएनएसटी के लिए क्रैश कोर्स की क्लास चालू करेंगे, तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी अभी, है ना, वो क्लासेस भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अच्छा। सॉरी, जीएनएसटी बंद हो गया, बार बार वही निकलता है फ्लो में, जीएनएसटी बंद हो गया, पीएनएसटी, और पीएनएसटी ये लास्ट टाइम रहेगा, इसके बाद में भाई ऑल इंडिया लेवल पे ही जीएनएसटी पे वो पीएनएसटी भी होगा। तो नीट के लिए प्रिपेयर करो या पीएनएसटी के लिए, सेम लेवल सेम सिलेबस रहेगा। और जो आगे के एग्जाम सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, तो हमको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, कोई भी डाउट रहता है तो बता देना, डिस्कस कर देना, है ना। जस्ट अभी मैं यहाँ पे सारे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, है ना। किसी को कोई डाउट सर, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मिलेंगे? ठीक है, तो कल हम आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ बचे हुए कुछ ऑब्जेक्टिव, है ना, पढ़ लेंगे सारे लोग। बस हाँ, देख रही हूँ।